अकोला वाशिम बुलढाणा विधान परिषद चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया ली गई, जिसमें महाविकास आघाड़ी के गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के वसंत खंडेलवाल ने अपना नामांकन किया। अकोला वाशिम बुलढाणा विधान परिषद मतदाता संघ के चुनाव लिए जा रहे हैं, जिसके लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के उम्मीदवार वसंत बाबू खंडेलवाल ने सोमवार 22 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वसंत बाबू खंडेलवाल नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इस अवसर पर उनके साथ विधायक रणधीर सावरकर, पूर्व विधायक चैनसुख संचेती, महापौर अर्चना मसने, विधायक संजय कुटे, विधायक राजेंद्र पाटनी उपस्थित थे। महाविकास आघाड़ी के विधान परिषद के उम्मीदवार गोपी किशन बाजोरिया ने भी अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इस अवसर पर विधायक विप्लव बाजोरिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख, महानगर पालिका के विरोधी दल नेता साजिद खान पठान, पूर्व विधायक प्रतापराव जाधव, विधायक नितिन देशमुख, अरविंद सावंत, राज्य मंत्री राजेंद्र सिंघने आदि उपस्थित थे। विधान परिषद के अकोला वाशिम बुलढाणा मतदाता संघ में दो कद्दावर आमने सामने है। एक ओर महाविकास आघाड़ी के 3 बार के विधायक गोपी किशन बाजोरिया, जबकि दूसरी ओर भाजपा के वसंत खंडेलवाल इस चुनाव मैदान में है, जिसमें कौन बाजी मारता है इस ओर पूरे राज्य का ध्यान लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जी मैंने उम्मीदवारी डिक्लेअर करूँ मजा भरोसा दाखिल है, तेज मैं पूर्णपने चांगल काम करूँ खरा उतरी।